सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आज आप लोगों के सामने खड़ी है ग्रैंड आई10 न्यूज़। और भाई इससे पहले जो वीडियो देखी थी भाई, देखी थी वो आपने स्पोर्ट्स वेरिएंट की, ठीक है। ये 2023 मैन्युफैक्चर्ड है और ये वाला जो वेरिएंट देख रहे हो भाई अपना एस्टा है, ये टॉप वेरिएंट आप देख रहे हो, ठीक है। और टॉप में अगर आपको देखोगे तो ऐसी कुछ की देखने के लिए मिलेगी, दोनों ही की आपको ये वाली देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है भाई। ये वाली जो की होती है ना, इसमें आपकी चाबी निकल जाती है, ठीक है। और जो नॉर्मल फ्लिप की होती है उसमें आपकी चाबी नहीं निकल सकती, ये रिमोट की है, रिमोट की वो भी होती है लेकिन वो रिमोट फ्लिप की होती है और ये केवल रिमोट की होती है। तो इसमें आपकी चाबी आराम से अलग हो जाती है, ये वाला बटन दबा के, ये वाला बटन देख रहे हो, ये बटन दबा के आप चाबी आराम से निकाल सकते हो इसमें लॉक अनलॉक, ठीक है। और यहाँ पर आपको होल्ड करके बूट खोलने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ फ्रंट लुक की बात करोगे तो फ्रंट लुक भाई आपको दिखाया था मैंने अपनी स्पोर्ट में, सेम वैसा ही आपको लुक देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लाइटिंग सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जो कि प्रोजेक्टर काफ़ी बोल्ड इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही इसका जो थ्रो है ना भाई, वो येलो कलर की लाइट्स में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और लॉक और अनलॉक करने में भाई सिंगल हॉर्न बजेगा, वैसे तो उसमें डबल हॉर्न है, मैं आपको अभी सुनवा दूंगा, ठीक है, जो अपने स्पोर्ट्स वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको DRL देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी जो ग्रिल आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी, साथ ही जो टोइंग हुक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, टोइंग भाई यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी अलग सी इसमें लगा के दिया है भाई और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर आपको टोइंग हुक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर एरो बना हुआ है, मतलब इस साइड से दबा के खुल जाएगा आराम से, ठीक है। साइड प्रोफाइल की तरफ आओगे भाई, इसमें एक चीज़ चेंज क्या है स्पोर्ट्स वेरिएंट से कि इसमें ना आपको एलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो एलॉय व्हील का साइज आपको देखने के लिए मिलेगा, ये भी आपको भाई 15 इंच का टायर देखने के लिए मिलेगा, 175/60R15 15 इंच का टायर इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। एलॉय व्हील काफ़ी बढ़िया है इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, डायमंड कट देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप भाई ओवरवेम ऐसा कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इसमें ओवरवेम में क्या ना, आप जब लॉक और अनलॉक करोगे ये भी फोल्ड और अनफोल्ड नहीं होने के भाई। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ अगर यहाँ बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल देखने को मिलेगा, साथ ही रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है भाई। रिक्वेस्ट सेंसर इसलिए क्योंकि इसमें फ्लिप की देखने के लिए मिलती, इसमें आपको नॉर्मल की देखने के लिए मिलेगी ना रिमोट वाली, इसलिए। और यहाँ से अगर आप दबाओगे तो आपका लॉक और अनलॉक आसानी से इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये वाला जो हैंडल है भाई, ये भी आपको क्रोम डोर हैंडल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको जो रियर व्हील है भाई, उसमें डिस्क ब्रेक प्रोवाइड नहीं किए जाते, नॉर्मल आपको ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। TPMS का सिस्टम इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसी किस्म आपको बैक प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको एस्ट्रा का लोगो देखने के लिए मिलेगा, ग्रैंड न्यू उसकी बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी, i10 की बैजिंग यहाँ देखने के लिए मिलेगी। रियर वाइपर इसमें डीप फोकर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर आपको टेल लैंप देखने के लिए मिलेगा, शार्क फिन एंटीना इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बूट खोल के दिखाता हूँ भाई, ऐसा कुछ इसमें आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा अपना बूट लैंप, ठीक है। और मतलब काफ़ी डीप आपको बूट स्पेस में आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर आप बात करोगे स्पेयर व्हील, तो स्पेयर व्हील आपको स्टॉक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और भाई अंदर चलते हैं और अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंज है स्पोर्ट्स वेरिएंट से, ठीक है। तो नॉर्मल ड्यूल टोन का इंटीरियर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जो अपने हेडरेस्ट है भाई, वो अपने फिक्स नहीं देखने के लिए मिलता है, आपको आराम से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। आर्मरेस्ट में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अपने AC वेंट्स, 12V का चार्जिंग सॉकेट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा नॉर्मल, ठीक है। और उसी के अंदर अगर आप चलते हो आगे की साइड में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा नॉर्मल। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेदर रैप देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विच देखने के लिए मिलेंगे, चारों लॉक और अनलॉक का बटन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको ORVM का स्विच देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब और एडजस्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल देखने के लिए मिलेगा, और ये जाना अपना लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। साथ ही ये वाले जो बटन से ये आपके यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, उसे आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा, पुश एंड स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये इग्निशन होने के बाद भाई ऐसे कुछ जो इसमें डिस्प्ले आते हैं ना, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। और इसमें वार्निंग्स आ जाएंगी भाई अपनी, और यहाँ से आप देख सकते हो फ्यूल इकोनॉमी, एक्लिमेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। और सेटिंग्स वगैरह आ जाएंगी। यहाँ पर आपको ये जो पूरा पैनल है पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारे फीचर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ हॉर्न देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो अपने ये वाइपर के कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हैजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है भाई। मतलब क्या ही तरक्की कर रही है यार, हमने वेन्यू क्यों ली भाई, यही ले लेते और थोड़े टाइम बाद रुक के। और यहाँ पर सी टाइप का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा, 5 स्पीड का गेयर बॉक्स, बस यहाँ मात खा गई। 6 स्पीड का होता ना तो और ज़्यादा मजा आ जाता है, सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। 1.2 लीटर इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। और भाई एक चीज़ और बेस्ट बताऊँ, 1.2 लीटर CNG में भी ऑटोमेटिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो ग्लो बॉक्स है वो ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कूल ग्लो बॉक्स कह सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एसी की हवा के लिए इन्होंने बना रखा है। और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा, टू कप होल्डर देखने के लिए मिलेंगे, हैंड बैग यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि टिप है ना वो क्रोम टिप देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस आप कह सकते हो आराम से देखने के लिए मिल जाता है। जो इसके एसी वेंट्स है भाई वो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखेंगे या ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पे आप आराम से कह सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसमें चार स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चारों ही गेट पर। और इसमें जो फीचर है भाई मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखो ऑल मेन्यू, यहाँ पर आपको फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, DRVM, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हैंड ब्रेक ऑन था इसलिए भी नहीं हुआ है ऑन। ठीक है, यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाओगे तो डिवाइस कनेक्शंस आपको यहाँ देख सकते हो, देखो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे दोनों ही फीचर्स में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर IRVM की बात करोगे तो भाई आपको नॉर्मल IRVM देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेक केयर एंड बाय बाय।